हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल को यूज कर कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने रस्पबेरी पाई में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल को यूज कर कोई सा भी कोई जो रस्पबियन ओएस हो या चाहे कोई सा भी ओएस हो उसे आप अपने रस्पबेरी पाई में इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसे किस तरह से अपने मोबाइल से पूरा सेटअप करेंगे ये मैं पूरा ये वीडियो में बताने वाला हूँ। बिना कोई कीबोर्ड या बिना कोई मॉनिटर को यूज किए आप किस तरह से सेटअप करेंगे ये पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने रस्पबेरी पाई में रस्पबियन ओएस का जो फुल वर्जन है उसे मैं अपने इंस्टॉल करूंगा, वो भी अपने मोबाइल को यूज कर। तो ये जानने के लिए ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपका अपने एसडी कार्ड को अपने मोबाइल में इंसर्ट करना होगा। अपने मोबाइल में इंसर्ट करने के बाद अपने एसडी कार्ड को फॉर्मेट करना होगा और इसे फॉर्मेट करने के बाद वहां पर एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, उसका नाम है रस्पबेरी कार्ड इमेजर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये आपको प्ले स्टोर में भी इजीली मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं अपने एसडी कार्ड को अपने मोबाइल में इंसर्ट कर चुका हूँ। अब अपने एसडी कार्ड को मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज सेटिंग में जाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एसडी कार्ड सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं फॉर्मेट कर लूँगा। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फॉर्मेट पर क्लिक किया तो ये फॉर्मेट होना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्मेट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। फॉर्मेट हो चुका है मेरा एसडी कार्ड और इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, उसका नाम है रस्पबेरी इमेजर। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या चाहे आप, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर फर्स्ट में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मॉडल नंबर आपका रस्पबेरी कौन सा रस्पबेरी पाई है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रस्पबेरी पाई 2 है तो 2 सिलेक्ट कर लीजिए, 3 है तो 3 सिलेक्ट कर लीजिए, 4 है तो 4 सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास 4 है रस्पबेरी पाई 4, तो मैं रस्पबेरी पाई 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ से आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर रस्पबियन ओएस का जो फुल वर्जन है उसे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने एसडी कार्ड में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रस्पबियन ओएस फुल पे यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। इस पर आप यहाँ से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट करेंगे तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रस्पबेरी पाई में। इसका जो GB है वो यहाँ पर कम है, इसका 3.2 GB का है ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये आपका 6 GB का है। ये पूरा यहाँ पर फाइल डाउनलोड होगा, आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट होगा तो ये रस्पबेरी पाई फुल जो है ये फास्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फुल डाउनलोड करूँगा तो रस्पबेरी पाई OS फुल, तो इसे मैं टाइप कर लूँगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो इसे आपको ये दोनों को सिलेक्ट कर लेना है हैंडलेस इंस्टॉलेशन के लिए। वहाँ पर आपको बिना कीबोर्ड बिना माउस का या बिना मॉनिटर के ही अपने आप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मोबाइल है सिर्फ आपका जो फाइल को डाउनलोड करके अपने एसडी कार्ड में एक्सट्रैक्ट करके रख देता है और उसके बाद आप अपने एसडी कार्ड को रस्पबेरी पाई में लगाएंगे तो उसके बाद वहाँ पर पूरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा और उसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो रस्पबियन ओएस का जो फुल वर्जन है इसे आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद रस्पबेरी पाई में लगाने के बाद ये आपका 1.5 घंटा तक ये टाइम लेगा। तो 1.5 घंटा तक आपको वेट करना होगा इसे लगाकर, अपने एसडी कार्ड को अपने रस्पबेरी पाई में लगाकर उसे ऑन करके आपको 1.5 घंटा तक उसे छोड़ देना होगा और उसके बाद अपने आप वो इंस्टॉलेशन उसमें स्टार्ट प्रोसेस होता रहेगा। और उसके बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको एक इंडिकेटर उसमें अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये SSH सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका SSH एनेबल हो जाएगा उसमें, तो आप अपने मोबाइल से ही उसे कॉन्फिगर कर सकते हैं ये दोनों सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद आप अपने यहाँ पर एसडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस पर आप हम लोग टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाकर जो एसडी कार्ड है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पर नीचे यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद राइट टू एसडी कार्ड पर हम लोग क्लिक कर देंगे और उसके बाद राइट एसडी कार्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा डाउनलोड कर अपने एसडी कार्ड में ये पूरा एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पर रख देगा और उसके बाद पूरा वहाँ पर लगाएंगे तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन पूरा स्टार्ट होगा। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं थोड़ा ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ये वीडियो वाली थोड़ा लंबा ना होगा।
ये जो प्रोसेस है ये आपका इंटरनेट पर डिपेंड पड़ेगा, कितना फास्ट आपका इंटरनेट है उस पर ये डिपेंड पड़ेगा। तो मेरे यहाँ 3 MB की स्पीड से यहाँ डाउनलोड हो रहा है, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 3 MB की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। ये लास्ट आपका फाइल है, ये फाइल डाउनलोड होने के बाद आप अपने एसडी कार्ड को निकाल सकते हैं, वो अपने आप वहाँ पर ओके हो जाएगा, इमेज ओके लिख देगा। तो आप, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये 97% हो चुका है। देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा फाइल अब एसडी कार्ड में पूरा कॉपी हो रहा है, पूरा उसी में अब पूरा सेटअप हो जाएगा, वहाँ पर पूरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है एसडी कार्ड में। और उसके बाद आप अपने ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अपने एसडी कार्ड को निकाल कर अपने एसडी अपने रसबेरी पाई में लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज ओके हो चुका है, ये पूरा वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर टाइप करेंगे और अपने एसडी कार्ड को हम अपने मोबाइल से निकाल लेंगे और निकालने के बाद अपने एसडी कार्ड में अपने रसबेरी पाई में लगा देंगे। दोस्तों अब हम अपने एसडी कार्ड को हम अपने रसबेरी पाई में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने रसबेरी पाई को पावर देंगे। पावर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये पर इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद हम अपने इथरनेट से हम अपने रसबेरी पाई में इंटरनेट का कनेक्शन देंगे। हम अपने राउटर से अपने रसबेरी पाई में इथरनेट से कनेक्शन देंगे इंटरनेट का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉल यहाँ पर बॉल रहा है और ये दूसरा वाला यहाँ पर अभी बॉल नहीं रहा है। जब ये दूसरे वाला बॉल भर जाएगा तो इसका इंस्टॉलेशन फिनिश्ड हो जाएगा, तो ही यहाँ पर ये दूसरा वाला ये बॉल या ग्रीन वाला बॉल है ये यहाँ पर जलने लगेगा जब इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी 1.5 घंटा तक का टाइम लेगा ये इंस्टॉलेशन होने में। ये पूरा इंस्टॉलेशन यही रसबेरी पाई में ही होता है, तो ये कम से कम 1.5 घंटा तक का टाइम लेगा। तो उतने देर के बाद हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग इसे चालू करके इसे हम छोड़ देते हैं। इसे इसका पावर ऑफ नहीं करना है, नहीं तो ये इंस्टॉलेशन इसका फिनिश्ड नहीं होगा। ये फिनिश्ड होने के बाद आप इसका इंस्टॉलेशन फिनिश्ड हो जाएगा तो इसे आप पावर ऑफ कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बीच में आपको पावर ऑफ नहीं करना है। दोस्तों ये रसबेरी पाई इथरनेट से कनेक्ट होने के बाद ही इथरनेट के केबल से आपके राउटर से कनेक्ट होने के बाद ही ये जो जो ये बत्ती है ये बलता है, नहीं तो ये नहीं बलेगा। ये इथरनेट को निकाल देंगे तो ये नहीं बलेगा और इसे लगाएंगे तो ही ये बलेगा। और यहाँ पर लगाने के बाद और उसके बाद अपने रसबेरी अपने राउटर में भी लगाना होगा। आप देख सकते हैं ये बत्ती बल चुका है। इथरनेट लगाने के बाद अपने राउटर से कनेक्ट करने के बाद ही ये बत्ती बलेगा। और उसके बाद ये बत्ती जब जलने लगेगा ये ग्रीन वाला, तो उसके बाद ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ग्रीन लाइट है वो जलने लगा है, ये दोनों लाइट यहाँ पर जलने लगा है। तो इसका जो पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा ये जो 1 घंटा 10 मिनट तक का टाइम लिया है इस टाइम, नहीं तो इससे पहले बार मैं इंस्टॉल किया था तो उस टाइम में 1.5 घंटा तक का टाइम ले लिया था। इस टाइम कमिंग टाइम हो चुका है 1 घंटा 10 मिनट तक का टाइम लिया ये। और इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसे बंद भी कर देंगे और इसे फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसे अब इस सेटअप करेंगे अपने मोबाइल से ही। तो अब अपने मोबाइल से सेटअप करने के लिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर पूरा सेटअप का कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ।
दोस्तों हमारा रसबेरी पाई सेटअप हो चुका है, अब हम लोग किस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही, तो उसके लिए आपको ये तीन एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ये जो यहाँ पर तीन एप्लीकेशन ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, ये तीन एप्लीकेशन आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये पूरे प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर नेटवर्क स्कैनर मैं आप ओपन कर लेता हूँ, अपने नेटवर्क को स्कैन कर कर अपने रसबेरी पाई का आईपी को पहले मैं देख लेता हूँ कितना उसका आईपी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर रसबेरी पाई यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका जो आईपी है 192.168.1.74 यहाँ पर आईपी इसका दिया है। तो ये मैं यहाँ पर जाकर और उसके बाद ये पुट्टी एप्लीकेशन करके इसे हम लोगों को ओपन करना होगा। इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये प्लस वाले आइकन पर यहाँ पर टाइप करना होगा। प्लस वाला आइकन पर टाइप करने के बाद आपका रसबेरी पाई का यूज़र नेम टाइप करना होगा। तो रसबेरी पाई का यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट होता है उसका पाई होता है पाई, और उसके बाद ऐट द रेट टिपेंगे, और उसके बाद जो वहाँ पर आईपी एड्रेस था उसे हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे 192.168.74 उसका जो आईपी एड्रेस था इतना टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये प्लस वाले आइकन पर यहाँ पर टाइप करेंगे। तो इसे हम लोग टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वो ऐड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 74 यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसे हम लोग अब कनेक्ट करेंगे, इसे टाइप करेंगे तो ये कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसे यहाँ पर ओके टाइप करना होगा आपको। ओके टाइप करते ही आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना होगा, इस रसबेरी पाई का पासवर्ड। तो यहाँ पर रसबेरी पाई का पासवर्ड जो है इसका रसबेरी इसका पासवर्ड है, तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रसबेरी होता है, तो RASP वही रसबेरी यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर राइट के ऑप्शन पर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग VNC को एनेबल कर लेते हैं अपने रसबेरी पाई का VNC को, जो VNC व्यूअर से हम लोग इसका डेस्कटॉप को यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा sudo raspi-config। तो उसके बाद ओके टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर टाइप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसे हम लोग थोड़ा नीचे कर डाउन करेंगे यहाँ पर टाइप करके, और उसके बाद एडवांस इंटरफेस ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये VNC कर कर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे और उसके बाद फिर से इंटर टाइप करेंगे, और उसके बाद VNC को एनेबल करेंगे तो यस के आइकन ऑप्शन पर हम लोग ले जाएंगे। तो उसके बाद फिर से इसे टाइप करेंगे, और यस पर आने के बाद फिर से इंटर टाइप कर देंगे, और उसके बाद ये VNC एनेबल हो चुका है, और उसके ओके टाइप करेंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर एडवांस में जाएंगे, और यहाँ से रिजोल्यूशन यहाँ पर आता है, इसमें जाना होगा आपको। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन ये रखिए या चाहे इससे कम के रखेंगे तो ये आपका एक्सेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इतना रख लेता हूँ, तो उसको इंटर टाइप करेंगे, उसके बाद ओके फिर से टाइप करेंगे, और उसके बाद फिनिश पर टाइप कर देंगे, और उसके बाद हमारा रसबेरी पाई को रिबूट करने के लिए बोलेगा, तो रिबूट कर देंगे हम अपने रसबेरी पाई को। तो ये रिबूट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं डिसकनेक्ट हो चुका है। और थोड़ी देर के बाद अब फिर से हम अपने नेटवर्क को स्कैन करेंगे रसबेरी पाई रिबूट होने के बाद। तो हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर यही आईपी यहाँ पर दिखा रहा है, तो इससे हम लोग ट्राई करते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो ये रिबूट हो चुका होगा, तो उसका VNC व्यूअर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो इसमें भी आकर यहाँ पर प्लस के आइकन पर टाइप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस जो है उसे सिर्फ आईपी एड्रेस यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। आप फिर से एक बार और आईपी एड्रेस स्कैन कर लेना, नहीं तो यहाँ पर आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है जब जब आप रिबूट करेंगे उस टाइम। तो अभी इसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, हम कनेक्ट पर हम लोग टाइप करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। कनेक्शन के लिए पहले हम लोग यहाँ पर जो रसपाई हम लोग इसे सेट किए थे ये, और उसके बाद
कनेक्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, कंटिन्यू पर टाइप करना होगा। कंटिन्यू टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यूज़र नेम आपका यहाँ पर पाई है और इसका जो पासवर्ड है रसबेरी RASPBERRY रसबेरी है इसका पासवर्ड। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू पर यहाँ पर टाइप करेंगे ऊपर, यहाँ कंटिन्यू पर टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा डेस्कटॉप खुल चुका है ये रसबियन ओएस का। तो यहाँ पर हम लोग इसे ओके कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कीबोर्ड लैंग्वेज यूज लैंग्वेज और कीबोर्ड यूज यूएस कीबोर्ड पर आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर टाइप करना है। और उसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपका न्यू पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना होगा। दोस्तों मैं पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पासवर्ड टाइप करने के बाद आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर दिया हूँ और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर टाइप करूँगा। नेक्स्ट पर टाइप करने के बाद फिर से नेक्स्ट और उसके बाद आपका यहाँ पर नेटवर्क स्कैन होगा। आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं इसे, आपको आप इथरनेट से यूज करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप वाईफाई को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने वाईफाई को यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं अपने वाईफाई को कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, तो मैं यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड फिर टाइप करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा स्क्रीन। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पर फिर से टाइप करेंगे। नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बोल रहा है तो मैं अभी अपडेट नहीं करूँगा, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ अभी। और उसके बाद स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है तो आप रीस्टार्ट कर दीजिएगा, मैं अभी लेटर कर देता हूँ। यहाँ पर देखते पूरा यह एक्सेस हो चुका है, इसका जो डेस्कटॉप मोड पूरा आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से पूरा डेस्कटॉप मोड यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप रसबेरी पाई को अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं, पूरा एक्सेस कर सकते हैं अपने रसबेरी पाई को अपने मोबाइल से ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।